एक्सप्रेस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में लूट और डकैती के वारदातें बढ़ रही है। पुलिस और बाबरिया गैंग के बीच हुई जमकर गोलीबारी। जब मोदी ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट, चौंक गई जनता। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के लूट और डकैती के वारदातों से जिला गाजियाबाद थर्राया हुआ। साहिबाबाद थाने में एक घबराई हुई युवती पहुंची, जो फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वालों ने जैसे तैसे युवती को शांत कराया। पुलिस वालों ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका मोबाइल बदमाशों ने लूट लिया। पर खड़े थे आप? कोई नंबर वगैरह उनका? नंबर नहीं था उसपे। आपका क्या नाम? सिमरन। कहाँ रहते हैं आप? लाजपत नगर में। कौन सा मोबाइल था? मोटो ई 4 प्लस। रोने से कोई हल थोड़ी होगा। नई दिल्ली नोएडा के ग्रेटर नोएडा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया है जबकि घायल बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को कांग्रेस के लिए वोट मांगता देख लोग चौंक गए। पीएम के हमशक्ल अभिनंदन पाठक ने बिलासपुर में कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस प्रचार के दौरान पाठक ने बीजेपी सरकार पर निशाना तो साधा ही, साथ ही खुद से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की है। अच्छे दिन आए क्या? नहीं आए। आए अच्छे दिन? नहीं। काला धन खाते में आया क्या? नहीं आया। 15 लाख रुपए आए क्या? नहीं आया। उन्होंने झूठ बोला ना? बोला। आपकी बार उनको बनाओगे? नहीं बनाएंगे। किसको बनाओगे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को लाना है देश को बचाना है। कांग्रेस को लाना है प्रदेश को बचाना है। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।